और ये हम पहुंच गए दरबार के अंदर। पीर फतेह शाह एक गांव कह सकते हैं इसको, टीजी खान से 15 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पर एक दरबार है पीर फतेह शाह की। यहाँ दरबार का ये बैक साइड है, फायर वाल साइड है, व्यू है। अंदर का साइड का आप व्यू देख सकते हैं, राइट साइड में मस्जिद है और लेफ्ट साइड पे पीर साहब की दरबार है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जिन लोगों को जिन्नात का मसला होता है वो इस दरबार पे आते हैं। और हम यहाँ अंदर जाके आपको दिखा रहे हैं कि दरबार पे जो एक ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल को अगर आप पकड़ते हैं ना, जिनको असरात होते हैं तो ग्रिल उनको खींच लेती है अपनी तरफ और उनको तब तक नहीं छोड़ती जब तक उनके अंदर से वो इस तरह के असरात ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको, उसके अलावा कुछ लोग आप देख सकते हैं बेहोश भी हो जाते हैं इधर आके। उसके अलावा ये दरबार के आसपास का मंजर है और लोगों का कहना ये है कि जिनको जिन्नात के असरात होते हैं वो यहाँ पर हफ्ता 30 दिन या 40 दिन जब यहाँ पर लगाते हैं तो उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो ये तो लोगों की बातें हैं और कुछ लोग इसको मानते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, ये कुछ वीडियोज़ हैं, क्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना चाहिए, जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे, वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा कुरान मजीद में कम अज कम 25 आयते है जिसमें लिखा है शिफा, शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। दो आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। तो दोस्तों मैंने इस दरबार के बारे में सुना था तो मैं यहाँ पर आया, व्लॉग बनाया और जो यहाँ पर हो रहा था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। एट द एंड मेरा काम ये नहीं है कि किसी को इनक्रेज करूँ या किसी को डिस्करेज करूँ कि आप यहाँ आएँ या ना आएँ। जो मानते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं मानते इस चीज़ को वो भी ठीक है। मेरा काम था व्लॉग बनाना और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।